गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में सिलेबस का ओवरव्यू रहेगा कि हम लोगों को टोटल 5 यूनिट है। टोटल 5 यूनिट में एक्चुअली में पढ़ना क्या है, ठीक है। इस 5 यूनिट को कॉम्बाइन करके क्या सीखना क्या है आज हम लोग वो जानते हैं। फिर इसके बाद आपका रहेगा सिलेबस का ओवरव्यू, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि कोर्स का ओवरव्यू क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका लिखा है कोर्स ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन रिजल्टेंट ऑफ वेरियस फोर्सेस। तो हम लोग को जो यूनिट 1 है उसमें हम लोग को क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है कि नंबर ऑफ़ फोर्सेस का। जैसे मान लीजिए एक ही पॉइंट पे अलग बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो कैसे रिजल्टेंट निकलता है, या फिर अलग अलग एक ही प्लेन पे अलग अलग पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या रहेगा कि हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकाल पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस थ्रू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बहुत सारे कंडीशंस होंगे, उसमें हम लोग सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे कि जैसे कि अगर इधर फोर्स लग रहा है तो इस साइड फोर्स लग के वो कैसे एक बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जा रहा है और नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो वो हम लोग को दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि वो फाइंड करना है कि कितने फोर्सेस सपोर्ट रिएक्शंस लगाएं कि इक्विलिब्रियम में बॉडी आ जाए। थर्ड पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब जैसे फ्रिक्शंस हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग सेक्शन सॉरी बहुत पहले क्लासेस में पढ़े होंगे, जैसे लोअर सेक्शंस में 8, 9, 10 बहुत सुनते आ रहे हैं कि जो फ्रिक्शंस है वो कैसे रोल प्ले करते हैं हम लोग के डेली डे टू डे एप्लीकेशंस या डे टू डे लाइफ में। तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और कुछ इक्वेशंस देखेंगे उसका जो रिलेट करता है हम लोग के फोर्स पे। अगर फोर्स लग रहा है तो उस फ्रिक्शंस फोर्स बढ़ेगा घटेगा या फिर कुछ लिमिट तक रहेगा, वो हम लोग इस ये तीसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। चौथा क्या है, टू नो द फंडामेंटल लॉस ऑफ मैकेनिक्स एंड देयर एप्लीकेशन। कुछ मैकेनिक्स से कुछ फंडामेंटल लॉस हैं उसको हम लोग जानेंगे, है ना। तो ये चारों पॉइंट जो है आपके, ये पूरे के पूरे पांचों यूनिट के समरी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। समरी इन द सेंस कि वो पांचों यूनिट पढ़ने के बाद ये चार पॉइंट अगर हम लोग कर पा रहे हैं इसका मतलब हम लोगों ने मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ ली है। यही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अब हम लोग जानेंगे कि सिलेबस ओवरव्यू क्या है। कोर्स ओवरव्यू हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस ओवरव्यू क्या है। तो फर्स्ट यूनिट में क्या है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। दूसरे में फोर्सेस है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस है। तो यूनिट 1 में ये चार चैप्टर रहेंगे आपके, जिसमें कि बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स पे हम लोग देखेंगे कि वेक्टर स्केलर्स क्या होते हैं, ठीक है, फोर्स क्या होता है, ठीक है, उसका SI यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है, उसको कैसे कन्वर्ट कर SI और CGS यूनिट पे रिलेशन क्या है वो देखेंगे, ठीक है। इस फोर्स में क्या नंबर ऑफ़ फोर्सेस देखें, कोलिनियर है ना, कॉन्करेंट क्या होता है, प्लेन पे है, प्लेन पे अगर पॉइंट पे है तो कौन सा फोर्स है वो, तो इस चैप्टर में हम लोग वो पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या है कि हम लोग कोई भी फोर्स कोई भी एंगल पे अगर इंक्लाइंड है तो हम उसको क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे, उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्सेस। तो जो एक्स एक्सिस में टूटेगा, ठीक है, और एक वाई एक्सिस में टूटेगा, ठीक है, तो ये दोनों कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्सेस है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा, आपका फोर्स रहेगा। तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस में क्या है कि बहुत सारे आपको आप लॉस पढ़ेंगे ना, जैसे आपको हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, वेरिग्नोस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, लामिस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, तो ये सारा यूनिट 1 में ये सारे लॉस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में इक्विलिब्रियम है, ये बेसिकली ये थ्योरी टाइप का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग अलग अलग इक्विलिब्रियम्स को अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिर आपको मान लीजिए कि फ्री फॉल बॉडी है उस पर कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, है ना। सपोर्ट रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने कोर्सेस ओवरव्यू में देखा था, वो सपोर्ट रिएक्शन कितना लगाएंगे वो इक्विलिब्रियम बॉडी आ जाएगी। तो ये चैप्टर हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस में जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया आपका, तो कैसे उस फॉर्मूले को रिलेट करते हैं, ठीक है, जैसे म्यू होता है उसका, वो म्यू कैसे हम लोग किसी किसी चीज़ में उसको लगा के उसका फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ये फ्रिक्शंस का कि एफ इक्वल्स टू म्यू एन, है ना, एफ इक्वल्स टू म्यू एन। तो ये जो एफ है वही आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, म्यू क्या है आपका वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये क्या है नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब किसी भी बॉडी पर कोई भी बॉडी अगर फोर्स लगाती है किसी फ्लोर पे या फिर कोई भी एज अ बेस पे तो एक रिएक्शन पैदा होता है ऊपर, वो रिएक्शन ही म्यू से मल्टीप्लाई होकर फ्रिक्शनल फोर्स को डिफाइन करता है,
ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स लिमिट कभी कभी लिमिट में रहता है, ठीक है, कि कभी इनिशियली अगर आप फोर्स लगा रहे तो वो वैल्यू बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट के बाद क्या होती है, वो वैल्यू फिक्स हो जाती है और रिजल्टेंट रिजल्टेंट नहीं नहीं बोल के हमको क्या बोलता है, नेट नेट फोर्स से वो बॉडी आगे बढ़ने लगती है। तो वो चीज़ को हम लोग जानेंगे फ्रिक्शंस में, उसके लॉज भी जानेंगे, ठीक है, कैसे रिलेट है वो म्यू, और ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी देख लेंगे, ठीक है। यूनिट फोर में क्या है, सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का कहीं बीच में सेंटर है, ठीक है, तभी क्या हो रहा, क्या हो रहा है, ये बैलेंस हो पा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बॉडी हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पहले से ही पता है, जैसे अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल जहाँ कट करेंगे वहीं आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंट्रॉयड क्या है, सेंट्रॉयड में थ्री डी ऑब्जेक्ट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो थ्री डी ऑब्जेक्ट्स में कहाँ लाई करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो हम लोग निकालना सीखेंगे, और उसका एक्सप्रेशन भी आएगा, वो एक्सप्रेशन को हम लोग या हमको याद भी करना है ताकि हम लोग फॉर्मूले में या फिर कोई क्वेश्चन बनाए तो उसमें हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर पाएँ। फिर आपका सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स, ये यूनिट फाइव बहुत ही प्रैक्टिकल यूनिट है, मतलब बोल सकते हैं कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस मतलब हम लोग जो डेली लाइफ में मशीन्स यूज़ करते हैं तो किस तरीके से मैकेनिक्स उसमें रोल प्ले करता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, ऐसे तीन मशीन्स कैटेगराइज हुई हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि क्रैब वेंच क्या होता है, जैसे एप्लीकेशन गाड़ियों में लगा रहता है ना, जैसे गाड़ी पंक्चर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू जैक लगा के उसको उठाते हैं, फिर टायर चेंज करते हैं, तो स्क्रू जैक में कौन सा मैकेनिक्स लगा वो पढ़ेंगे हम लोग इसमें। और फिर लास्ट में आपका रहेगा आपका एक्सेल, जो गाड़ी में एक्सेल रहता है पीछे, है ना, उसमें डिफरेंशियल एक्सेल गियर लगा रहता है तो वो कैसे काम करता है वो लोग भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टोटल आपका सिलेबस ओवरव्यू है, यही पांच यूनिट पूरे मैकेनिक्स में पढ़ने हैं आपको, ठीक है, ओके।